and got together with us on this beautiful occasion. मैं थोड़ा सा उर्दू में बात करता चलूं. हम लोगों को ये नहीं आज सोचना चाहिए, इससे बालातर होकर सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं या हम इंडियन हैं या हम कश्मीरी हैं या हमारा मजहब कौन सा है. हर आदमी की अपनी बिलीव है, लेकिन इन तमाम बातों से बालातर होके एक इंसान होके हमें सोचना चाहिए कि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. एंड आई थैंक एवरीबॉडी. Doesn't matter what religion you are, what country you're from, I believe you as all as human being. I'm not going to take too much of your time. United Help, जो काम कर रही है, मैं हमेशा इनके साथ तावन करता हूँ. और आज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मुहैया हजरात यहाँ मौजूद हैं. क्वाइट रिसेंटली, चूंकि मेरा तल्लक आजाद कश्मीर पाकिस्तान से है, वहाँ हमने एक वाटर प्रोजेक्ट लगाना है. उसके लिए हमारा टारगेट है ओनली 1,000 pounds. और मैं समझता हूँ कि आप लोग आज वो तावन करेंगे. और मैंने उसमें क्या किया, मैं आपको अपनी कंट्रीब्यूशन पहले बताता चलूँ. मैंने यूनाइटेड हेल्प को ये कहा है कि जमीन उस वाटर प्लांट के लिए मैं दूंगा आपको, और आपने सिर्फ बोरिंग करके पानी निकालना है, और उसके बाद उसमें मोटर, वाटर कूलर और टैंक, वो मेरी कंट्रीब्यूशन से बनाया जाएगा. तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं समझता हूं कि आज जिसने अभी वो लेडीज आपके पास बकेट लेके आ रही हैं, वो तो यूनाइटेड हेल्प के एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए मैं समझता हूं आप तामन करेंगे. जिस आदमी ने इस पानी के प्रोजेक्ट के लिए, आजाद कश्मीर के लिए कंट्रीब्यूशन करनी है, प्लीज बराए मेहरबानी करके थोड़ी करें या ज्यादा करें, आप अपना नाम और अल्लाह उसको मेंशन करके दें, ताकि हमें पता चले कि ये वाटर प्रोजेक्ट के लिए है और बाकी जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं वो एजुकेशन और डिप्राइव्ड ऑर्फन्स वगैरह के लिए है. मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा. आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट टू अटेंड दिस ब्यूटिफुल ईद ओकेजन एंड दिस चैरिटी फंक्शन. थैंक यू अगेन. थैंक यू वेरी मच.